बड़े से माला से करते हुए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या देख पा रहे हैं आप, और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग पहुंचे हैं, और भव्य स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? जी बिल्कुल सुमित, अगर हम बताएं इस वक्त तो यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंच गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची हैं और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और सभी लोग मंचासीन हैं। विजय चौधरी हैं और संजय झा हैं जल संसाधन मंत्री, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और सभी लोग जो एक भक्तिमय माहौल है इसमें, यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, और यहाँ पर सीएम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब डिप्टी सीएम पहुंचे थे तारकिशोर प्रसाद, उनसे भी जब हमने बातचीत की थी, उन्होंने ये कहा था कि काफी लंबे वक्त बाद ऐसा मौका मिला है, ये बहुत ही बेहतरीन पल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मौका मिला है भगवान की आराधना करने का। और मंच की तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर सभी गणमान्य पहुंचे हैं और मोमेंटो देकर यहाँ स्वागत किया गया है राज्यपाल का, और जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी स्वागत किया गया है। जो आयोजन समिति के लोग हैं वो लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और सीएम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर इस वक्त यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम सुमित है, इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा अर्चना करेंगे खाजपुरा शिव मंदिर में। इसके बाद जो आम दर्शक हैं, आम श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था रोकी गई है और 9 बजे रात्रि के बाद पूजा दर्शन शुरू होगा उनका, क्योंकि अभी ये श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर मंदिर में, और 9 बजे रात्रि के बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह का कार्यक्रम होगा, जो खुले तौर पर दर्शक को वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो देख पा सकेंगे, और उसके बाद जाकर पूजा अर्चना शुरू होगी। जयकारे लगा रहे हैं लोग। सुमित, ये बहुत ही बेहतरीन, एक तरीके से कहा जाए एक इतना खुशनुमा, बिल्कुल, और जयकारे लग रहे हैं। हम चाहेंगे तस्वीर दिखाते रहें, अपने सहयोगी को कहिए जयकारे जो लग रहे हैं और मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। सुमित, जो जयकारे लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, एक जुलूस निकल रहा है, और ये जुलूस जो है, जुलूस के की बात अगर हम करें तो काफी संख्या में जो दर्शक हैं वो माँ भक्त हैं वो जा रहे हैं, और हम यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक लगातार झांकियां हैं, एक के बाद एक झांकियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। ये कहा जाता है कि शिव बारात निकलती है, तो ये शिव बारात की तस्वीर है। अमित, शिव बारात की ये झांकियां है। तो देखिए ये तस्वीरें है, और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, और ये झांकियां जो निकल रही है उन्हें देखने के लिए सामने मंच पर आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, सरकार में मंत्री जल संसाधन संजय झा मौजूद हैं, रेणु देवी हैं, और अब यहां झांकियां निकाली जाएंगी, शिव बारात निकाली जाती है, और उसके बाद पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो झांकियां जो निकल रही, क्या ये शिव बारात की झांकी है? और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आरती कर रहे हैं। सुमित, इस वक्त गहमा गहमी इतनी है, तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं क्योंकि काफी संख्या में मंच के पास भीड़ हो गई, और सुरक्षा कर्मी जो है सभी लोग को वापस नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि उमंग और श्रद्धालुओं में इतना ज्यादा इस वक्त हर्षोल्लास है कि वो भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और सभी लोग मंच के आसपास जाना चाह रहे हैं, सुरक्षा कर्मी उन्हें हटा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन खुशी का पल है, सब लोग इस समय मंच पर जो आगंतुक हैं, जो माननीय हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और इस महाशिवरात्रि के मौके पर ये झांकियां बेहतरीन निकाली जा रही है, और दर्शक जो है वो इस वक्त खड़े हैं काफी संख्या में सड़क के दोनों ओर, और एक तरीके से कहा जाए जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे।